आ गया वो साल जो सब इंसानों को आईना दिखाएगा। इस साल जितनी तलाकें होंगी पूरी सदी में इतने जोड़े कभी न टूटे होंगे। इस साल मोहब्बत वाले मोहब्बत वालों से इस तरह से लड़ेंगे कि हर दूसरे घर में कोई न कोई रिश्ता टूटेगा या झगड़ों का तमाशा बन जाएगा। और मर्दों में रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ेगा और औरतों में घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द आम हो जाएगा। इस साल बच्चे 15 साल के बाद ही अपने सर में सफेद बाल देखेंगे और जैसे ही लड़कियां बालिग होंगी वो बालिग होते ही औरतों के पोशीदा अमराज में मुब्तला हो जाएंगी। इस साल किसी इख्तलाफात की वजह से दुनिया के ममालिक के दो बड़े टोले बन जाएंगे और यही चीज आने वाले वक्त में तबाही का सबब बनेगी। और वो खानदान जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं वो इस 2024 में पानी में कुछ ऐसी चीजें मिला सकते हैं जिससे औरतें बांझ हो सकती हैं और मर्द ना मर्दी की तरफ रागिब हो सकते हैं। तभी इस साल पानी उबाल के पीना चाहिए और अगर उबाल के नीम गर्म करके मटके में डालते हैं और फिर एक दिन के बाद वो पानी इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उस तमाम नहस चीजों से अल्लाह की पनाह में होंगे। 2024 यही वो साल है जो रिज्क दौलत शोहरत तमाम घरों की तरफ फैल देगा। इस साल से जिसने फायदा नहीं उठाया वो शायद दुनिया का बदनसीब इंसान होगा, क्योंकि सदियों के बाद फिर कोई ऐसा साल आया है जिसका जायचा रिज्क दौलत और खुशहाली से मिलता है। तमाम बुर्ज वालों के नजदीक खुशहाली बरकत और आगे बढ़ने के चांसेस मंजरे आम पे आएंगे। तभी इस साल इंसान अपने वक्त की कदर करे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। इस साल के बोए हुए बीज आने वाले 70 सालों तक इंसान को कामयाबी देंगे। लेकिन इस साल नजर हसद हर किसी को जल्दी लग जाएगी, क्योंकि ये साल आईने की मिसल है। इंसान अपनी खुशियों को जाहिर करेगा और यही चीज उसको परेशानी में धकेल देगी। तभी इस साल की शुरुआत में रोज इंसान चारों कुल और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ा करे। इस साल इंडिया का कोई बड़ा एक्टर अपने हाथ खून से रंग देगा और यही चीज उसको जिल्लत की रुसवाई में धकेल देगी। और कोई दुनिया का बड़ा खिलाड़ी अचानक हादसे में मर जाएगा जिसकी मौत तमाम उसके चाहने वालों को रुलाती रहेगी। ये साल पाकिस्तान के किसी सियासतदान के लिए बहुत बड़ी रुसवाई का सबब बन सकता है और पाकिस्तान में शेर की हुकूमत आएगी लेकिन उसका ताज तीर का होगा। ये साल वो है जिसमें इंसान का गुस्सा इंसान की आंखों और जबान से जाहिर होगा। तभी दोस्त दोस्त के गिरेबान को पकड़ सकता है। तो यूं इंसान एहतियात करे अपनी जबान को मीठा करने की ताकि उसकी कामयाबी तादेर कायम रहे। लेकिन ये साल तूफान जलजले और पानी की वजह से तबाही भी मंजरे आम पे आएगी और वो ममालिक जो बादशाह हैं उनमें झगड़े उभर जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, उनके यहाँ खूनी चुनाव होगा और यही वजह बनेगी जो उसको फिर से जवाल की तरफ पलटेगी। इस साल बहुत बड़ा रूहानी रहनुमा दुनिया को रुलाता हुआ चला जाएगा और टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें मंजरे आम पे आएंगी कि इंसानों के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। वो इंसान के बगैर भी इंसान पैदा कर सकेगा और यूं झूठ जमाने में फैल जाएगा। हर कोई हर किसी को गलत इस्तेमाल करने लगेगा। तभी जितना हो सके मोबाइल LCD से दूरी इख्तियार की जाए। ये साल सेहत के लिए नहस है, तभी इंसान रेगुलरली अपनी सेहत का ख्याल रखे, चाहे वो गिजा के हवाले से हो या एक्सरसाइज के हवाले से खुद को पाबंद कर ले। ये साल कोशिश करके मुंह धोते वक्त इंसान आंखों में पानी न डाले बल्कि आंखों को बंद कर ले, और अगर पानी आंखों में डालना है तो पहले पानी को सही तरह उबाल ले, उसको ठंडा करके उसके बाद आंखों में डाले, क्योंकि कुछ लोग पानी के वसीले से ऐसी बीमारियां फैलाएंगे कि जो भी इंसान बार बार नल का पानी अपनी आंखों में डालेगा वो नाबीना होने की तरफ रागिब हो जाएगा। ये साल खाने पीने को कम रखा जाए, क्योंकि ये साल खाने पीने से ही बीमारियों का इजाफा होगा। तभी इंसान खाएगा कम लेकिन मोटा जल्दी होगा। अगर इस साल इंसान मेहनत को कायम करते हैं, जबान को मीठा करते हैं, रेगुलरली वॉक पे जाते हैं, तो आने वाले 70 साल इस साल में मेहनत का सिला वो पाते रहेंगे। इस साल की खास दुआ सूरह नसर है, यानी जब भी दिन का आगाज हो तो इंसान 27 मरतबा सूरह नसर पढ़ के अल्लाह को याद करके घर से निकले। इंशाअल्लाह पूरा साल वो फतेह और कामयाबी के साथ साथ होंगे। और साल का खास सदका हस्बे तौफीक मछली, हस्बे तौफीक गोश्त, हस्बे तौफीक सब्जी और हस्बे तौफीक आटा है। अल्लाह ये 2024 आप सबके लिए मुबारक करे।